नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावना और आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे हमारे टर्म नंबर 155 की। जी हाँ, 155th टर्म है ये, और ये टर्म है पार्टिजन मीडिया। लेकिन पार्टिजन मीडिया को जानने से पहले चलिए ये समझते हैं कि पार्टिजन का मतलब क्या होता है। पार्टिजन का मतलब होता है किसी खास व्यक्ति, विचारधारा या सिद्धांत की तरफ एक तरफा झुकाव, उसके लिए एकदम से कट्टर होना, यानी उसके लिए अंत भक्ति तक करना जो है वो पार्टिजन कहलाता है। और जब मीडिया ऐसा हो जाए तो उसे पार्टिजन मीडिया कहते हैं। जबकि मीडिया का काम क्या है, मीडिया एथिक्स क्या कहता है? मीडिया एथिक्स ये कहता है कि मीडिया का काम हमारे आसपास हो रही घटनाओं को निष्पक्ष रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करना है। यानी खबरों का कॉकटेल बनाना मीडिया का काम नहीं है, बल्कि न्यूज को प्योरली न्यूज के तरीके से दिखाना और जो व्यूज है उसको व्यूज या ओपिनियन के तरीके से दिखाना ही मीडिया का काम है। और मीडिया को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मीडिया को बायसनेस की तरफ उसका जो झुकाव है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि मीडिया को अनबायस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल रिपोर्टिंग करनी चाहिए। ये सारी बातें मीडिया एथिक्स के जरिए मीडिया पर लागू होती हैं। लेकिन अगर मीडिया ऐसा नहीं करता है और मीडिया का झुकाव किसी खास व्यक्ति, विचारधारा या फिर किसी खास सिद्धांत की तरफ होता है और वो एक तरफा झुकाव है और उसकी वजह से वो तार्किकता को और तथ्यों को भी ताक पर अगर रख देता है तो ऐसे मीडिया को ही पार्टिजन मीडिया कहते हैं। और ऐसा मीडिया किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है और ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। इसलिए ऐसे मीडिया को जानना, समझना, उससे सतर्क रहना बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको पैनी दृष्टि, क्योंकि मीडिया जो है वो बड़ा स्मार्ट है। वो अगर किसी का चरण चुंबन कर रहा है तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, बल्कि उसके लिए जब तक आप बारीकी से मीडिया का जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, किसी खास व्यक्ति या विचारधारा की तरफ अगर उसका झुकाव है तो उसकी स्टोरी का जो ट्रीटमेंट है उसे बहुत बारीकी से देखना होगा। आपको देखना होगा कि क्या किसी पर्टिकुलर विचारधारा की जो स्टोरीज है उनको ज्यादा कवरेज मिल रही है, क्या वो स्टोरीज प्राइम टाइम पर चलाई जा रही है और उनको जो उनकी भाषा है, उनकी भाषा में भी बड़ी चाशनी है, बड़े ही यू नो अट्रैक्टिव विजुअल्स लगाए जा रहे हैं और उसकी फ्रेमिंग जो है वो बहुत ही स्मार्टली की जा रही है ताकि आपके विचारों को प्रभावित किया जा सके। क्योंकि मीडिया बहुत पावरफुल है, मीडिया हमारी सोचने, समझने, हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है। और मीडिया में जैसा हम चीजों को देखते हैं हम वैसे ही सोचने लग जाते हैं, वैसा ही निर्णय लेने लग जाते हैं, वैसे ही व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए पार्टिजन मीडिया को जानना, समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो ये पार्टिजन मीडिया है वो कहीं ना कहीं इको चैम्बर्स और कन्फर्म्ड बायसनेस को ही पलवित और पोषित करता है, ये हमें दिग्भ्रमित करता है। इसलिए हमारा मीडिया साक्षर होना आज समय की मांग है, ताकि ऐसे मीडिया से हम सतर्क रहें, ऐसे मीडिया को हम आइडेंटिफाई कर पाए और हम कहीं ना कहीं खबरों को तार्किकता की कसौटी पर कसें, आंख मूंद कर हम किसी भी खबर पर विश्वास ना करें और हम मल्टी सोर्सिंग करें। एक ही सोर्स पर हमें पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हो सकता है हम इस पार्टिजन मीडिया के शिकार हो जाएं। और ये सारी चीजें जो है वो हमें मीडिया साक्षरता बताती है। मीडिया साक्षरता हमारी क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल अप्रोच को डेवलप करती है, उसका विकास करती है, हमें सवाल करना सिखाती है। और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल किया जाना, सवाल उठाना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ भी साझा करें और इस तरीके से मीडिया साक्षरता की ओर चलें, मिलकर एक साथ कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।